राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का नव वर्ष के पहले दिन नई ऊर्जा के साथ समर्थकों ने दौसा कलेक्ट्रेट पर गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान सांसद मीणा ने दावा किया है कि 2019 में फिर से मोदी लहर चलेगी। उन्होंने प्रदेश की गहलोत सरकार पर कर्ज माफी के नाम पर किसानों से छलावा करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि प्रदेश के किसानों पर 1,00,000 करोड़ का कर्ज है, पर सरकार केवल 1,800 करोड़ की कर्ज माफी कर रही है, जिसमें भी डिफॉल्टर को कर्ज माफी और साहूकार की नहीं। सांसद ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से मिलकर पूर्वी राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय योजना घोषित करने, दौसा में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने और पूर्वी राजस्थान में आदिवासी यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मांग की है, जिस पर पीएम ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। राजस्थान के किसानों पर 1,00,000 करोड़ का कर्जा है और राज्य सरकार मात्र 18,000 करोड़ का कर्जा माफ कर रही है, वो भी डिफॉल्टरों का, साहूकारों का नहीं कर रही। इसलिए ये एक चुनावी जुमला था। राजस्थान के किसानों के साथ राज्य सरकार जो गहलोत की है, उन्होंने धोखा किया है, विश्वासघात किया है।